नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि कैसे फोटोशो में दो इमेज को इकट्ठा मास्क करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे फाइल में और इमेज ओपन करेंगे। एक इमेज मैंने पहले ओपन की है, दूसरी इमेज यहाँ से लेंगे। जो भी आपको इमेज चाहिए जैसे मैं ये फर्स्ट इमेज ले रहा हूँ, तो ये आपकी इमेज ओपन हो गई। अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ब्लैक बैकग्राउंड आपकी लेयर है, इसको डुप्लीकेट कर देंगे कंट्रोल जे, तो आपकी जो मेन लेयर है वो सेफ रहेगी। तो इस लेयर के ऊपर अब हम काम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जैसे ये जो बॉडी बिल्डर भाई साहब है, उनकी हाफ बॉडी लगानी है हमने यहाँ पे। तो जिस एरिया में हमने बॉडी लगानी है उस एरिए को आप सिलेक्ट करेंगे और कट करेंगे। तो इसके लिए आसान से सबसे आसान टूल है कि आप जाएंगे स्पॉट एडिटिंग का, जो पहले यहाँ पे ऐसे इस तरह मेन आइकन होता है उसमें जाएंगे, उसमें देखा आपको पैच टूल वो लेंगे। यहाँ से जितना एरिया आपको कट करना है वो सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बाहर लेना है इमेज से और अब आप सिंपल इसको ड्रैग करेंगे। जो भी इफेक्ट आप यहाँ से डालना है फोटोशॉप अपने आप डाल देगी। जैसे आपने ड्रैग किया हमने यहाँ तक किया, ज़्यादा ऊपर नहीं लेना है, स्काई वगैरह नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही ये ले लिया मैंने, छोड़ दिया तो ये हो गया। अब जो आपकी सिलेक्शन बनी है उसको हमें डिसलेक्ट करना है, तो आप जाएंगे सिलेक्ट में और डीसेलेक्ट। इसके बाद आप जाएंगे स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल में, और जो भी कुछ कमी रह गई है इससे पूरी हो जाएगी। जैसे आप एल्ट प्लस करेंगे तो यहाँ से सैंपल लेंगे और उसी को पेंट कर देंगे आराम से। इतना आराम से करेंगे तो इमेज रिजल्ट अच्छा आएगा, बिल्कुल साथ में से लेना है, दूर से नहीं उठाना है, इतने दूर से तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल साथ में से लेना है। बाद में सेटिंग हो जाती इसकी प्रॉब्लम पड़ी है। कर दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इमेज हमने यहाँ सेट करनी है वहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप लेंगे मूव टूल और इस इमेज पे यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे इस वाली इमेज पे और यहाँ लाके इसको छोड़ देंगे। तो ये आ गई आपकी यहाँ पे। अब ये इमेज से काफ़ी बड़ी है, इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी। तो अब आप इस इमेज को डिसाइज कर सकते हैं जितने आपको चाहिए, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर लें यहाँ से कि हमें नीचे वाली इमेज है वो भी दिख जाए कि हमने प्रॉपर इसको सेट कहाँ करना है। जैसे बाद में हो सकता है मास्किंग टाइम उसकी प्रूफ, जैसे हमने इसको याद रख लिया। ठीक है जी, अब इसकी ओपेसिटी फुल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने करना है इसको मास्क, तो इसके लिए पहले आप इसको ट्रांसफॉर्मर को हटाएंगे तो एंटर प्रेस कर दें, ये हो गया। अब जाएंगे आप यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है मास्किंग, ऐड लेयर मास्क, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्केयर सा बन जाएगा, ये आपकी मास्किंग। कंट्रोल प्लस आई, वो तो गए। अब हमने इसको करना है मास्क को पेंट, तो इसके लिए आप जाएंगे पेंट ब्रश टूल में और यहाँ पर सेटिंग देख लेंगे कि ये सॉफ्ट राउंडेड ब्रश है, सॉफ्ट हो और हार्डनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ी सी रख लें तो वो बात नहीं, लेकिन फिलहाल बिल्कुल जिसको जीरो पर रखें। और यहाँ से ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लें, अल्ट ब्रश राइट माउस बटन
इसको ट्रैक करेंगे राइट तक तो ये बड़ा हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से राइट क्लिक करके साइज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको पेंट करना शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए। इसको बड़े आराम से, जितने आराम से आप इसको करेंगे, पेंट करेंगे या ब्रश चलाएंगे, उतने ही आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। जो बाहर का आ रहा है उसके कंट्रोल में बाद में ठीक हो जाएगा। फिलहाल हमने सिर्फ इस समय इसको यहाँ पे सेट करना है। देख लेंगे कि अगर इमेज आपको छोटी लग रही है तो आप इसको फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस टी और जूम आउट करके। अगर आपको बड़ी करनी है या थोड़ी सी घुमानी है तो आप यहाँ से घुमा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करना है उसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ठीक लगेंगे। एंटर दबाएं। अब इसको आप जैसे आपका फोरग्राउंड वाइट है तो जैसे आप इसको ब्लैक करेंगे तो ये वाली इमेज का इफेक्ट है इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप एक्स प्रेस करें, एक्स, और इसको पेंट करेंगे तो ये जो आपकी पहली वाली नीचे वाली इमेज है उसका इफेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। इसको हमने थोड़ा छोटा देखते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट डालना इसमें। जो ये एरिया आपका वाइट नजर आ रहा है इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका जो फोरग्राउंड है वो ब्लैक हो जाइए, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जूम करके जो एरिया है व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है इसको आप क्लियर कर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको और डिटेल लेने के लिए पहले आप इसमें इसको सेव कर लेंगे, जेपीजी में सेव कर लेंगे इसको। तो फाइल और सेव एज, डेस्कटॉप पे सिंपल सेव कर लेंगे। यहाँ से चेंज करेंगे आप जेपीजी फॉर्मेट में, नेम देंगे जो भी नेम देना आपने, दे रहा हूँ क्या करेंगे आप इस इमेज को, चाहे आप हटा दें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी अब जरूरत नहीं है, लिख रहने दें इसको। फाइल को ओपन, जो आपने सेव किए डेस्कटॉप पे आगे इसको ओपन करेंगे। ये आ गई आपकी इमेज, इसको आप चाहे हटाना चाहें तो हटा दें, खुले लेते हैं। तो आप इसके ऊपर जैसे ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है तो आपने जब आप बनाएंगे तो इसको बढ़िया करके करना। मैंने ट्यूटोरियल की थी इसको ज़्यादा नहीं किया है। वैसे अब आप लेंगे इसमें से स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल और
कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से कोई सैंपल ले लेंगे, इस तरह भी आप इसके बाद भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल साथ का सैंपल लेना है जैसे आपकी इमेज मैच हो जाए बिल्कुल। जैसे रफ सा कर रहा हो तो इसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको ये लग रहा है कि ये बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ से कोई इमेज ले लें, जैसे ऐसे यहाँ से लीजिए थोड़ा सा, इसको यहाँ पर ऐड कर दें ऐसे, मिलता जुलता सा। आपको हेयर भी इस तरह के बनाने हैं तो यहाँ से लेंगे आप यहाँ पे इसी टूल से क्लोज शॉप टूल से यहाँ से एल्ट प्रेस कर आप यहाँ से इस तरह बना सकते हैं। एंगल देखो थोड़ा सा एंगल चेंज करना है, इस तरफ से लेंगे थोड़ा सा, ये इसका एंगल चेंज करना है। अब लेंगे आप यहाँ से, यहाँ पे एक ब्रश है हिस्ट्री ब्रश टूल, तो उसका थोड़ा सा ये जो आपकी ये पुरानी पीछे की बॉडी पे या पीछे के जो लेयर पे भी है उसको फिर से वापसी लगता है। हिस्ट्री जो पुरानी हिस्ट्री है तो थोड़े बालों की तरह लगना चाहिए ये। आपका उसमें मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, डिटेलिंग समझा डिटेलिंग करके उतना ही अच्छा लगेगा ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए। अब आप लेंगे यहाँ से डोज टूल, तो सबसे पहले लेंगे आप डोज टूल ये पहले वाला, जिससे आप इमेज को एक्सपोज लाइटिंग दे सकते हैं जहाँ पर जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा देंगे तरह से थोड़ा फिर अच्छा लगेगा, ये भी दे सकते हैं ऐसे
उसके साथ ही एक और टूल है इसमें वन टूल, जिससे आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं थोड़ी सी इस तरह, जो शेडो वाली एरिया है उसमें आप शेडो दे सकते हैं। हेयर मैंने ऐसे सिंपल बनाए हैं, वैसे आप जितना बढ़िया काम करेंगे उतना अच्छे लगेंगे। तो ये हो गया, इसके फीस कम लेते हैं, ज़्यादा करने आपने तो फोटो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें आप के जैसे थोड़ा इमेज में कुछ चेंज करना है तो आप इमेज में जाकर एडजस्टमेंट हाइट कॉन्ट्रास्ट वगैरह देंगे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी अच्छी लगी, ग्राउंड का कलर इसका थोड़ा सा हरा हो जाए, तो उसके लिए आप जाएंगे सिलेक्शन में और ग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसी में सिंपल सा कर रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट और उसमें आप सिचुएशन में चल जाए या कलर से, जैसे ये ठीक है इसमें आप थोड़ा सा इसमें ग्रीन देखते हैं, ये ग्रीन बना लेंगे ऐसे चाहिए आपको अच्छा लगे तो बस ग्रीन हो गया। जाकर डिस्क्रिप्ट ऐसे हो गया आपका, जो खैर मैंने सिंपल किया, आप जितना अच्छा करेंगे अपने बन जाते। तो ये दोस्तों ये थी दोनों इसको कैसे इकट्ठा मस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।